हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार चलाने के लिए नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी गतिविधियां बढ़ गई। जीते हुए सभी 48 बीजेपी विधायकों को 15 और 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के आदेश दिए गए। गौर करने वाली बात यह है कि 16 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनकर आ रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ही क्यों भेजा जा रहा है, ये सवाल है। देखना यह भी है कि साल तक सीएम सिटी रहे करनाल से जीते जगमोहन आनंद को मंत्री बनाया जाता है या फिर नहीं। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में चुनावी नतीजों का जश्न मनाने के बाद अब बीजेपी तीसरी बार सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करने की कवायद में जुट गई है। इस संबंध में दिल्ली और चंडीगढ़ में सियासी गतिविधियां बड़ी हुई हैं। 15 और 16 अक्टूबर को बीजेपी के 90 में से जीते सभी 48 विधायकों को चंडीगढ़ में रहने के आदेश आए हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा जो सीएम बनेगा, ये खुलासा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ 16 तारीख को विधायक दल की बैठक चंडीगढ़। उनसे पूछो भैया, उनकी बात का मैं जवाब देने वाला नहीं। अब सवाल ये है कि 16 अक्टूबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही क्यों पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। दरअसल इसकी भी कई वजह हैं। पार्टी के 7वीं बार विधायक बने अनिल विज कई बार सीएम पद की दावेदारी ठोक चुके हैं। 2014 में भी जब पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी और पार्टी ने पहली बार ही विधायक बने मनोहर लाल को सीएम पद की शपथ दिला दी थी, तब अनिल विज बोले थे मैं तो इनसे काफी सीनियर हूँ। फिर 6 महीने पहले जब मनोहर लाल को बदलकर नायब सैनी को सीएम बनाया जा रहा था तो अनिल विज बीच में बैठक छोड़कर चले गए थे। अब जब चुनाव हो रहे थे तो उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल विज ने अपने सीनियर होने की दलील देकर सीएम पद पर दावेदारी कर दी थी। उधर अहीरवाल से भी सीएम या डिप्टी सीएम पद की मांग हो रही है। इसी कारण पार्टी के बड़े नेता अमित शाह को प्रदेश में सत्ता के समीकरण साधने के लिए खास तौर पर भेजा जा रहा है ताकि वो पार्टी की रणनीति के मुताबिक ही सब कुछ सांचे में ढाल सके। अमित शाह के अलावा हरियाणा आने वाले दूसरे ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव होंगे। उन्हें दिखाकर शायद बीजेपी हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि हमने तो पहले ही आपके समाज के नेता को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का सीएम बनाया हुआ है ताकि अमित शाह की निगरानी में सब कुछ ठीक ठाक रहे। परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है, अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है। अब सवाल ये भी कि मंत्री बनने की तारीख नजदीक आ चुकी है। पार्टी के जीते हुए सभी 48 बीजेपी विधायकों ने अपनी लोबिंग तेज कर दी है। 17 अक्टूबर को सीएम के अलावा करीब 10 मंत्री और भी शपथ ले सकते हैं। सीनियर और पूर्व मंत्री अनिल विज को क्या बनाया जाएगा अभी किसी को कुछ नहीं पता। इस बार ये जरूर है कि मंत्रिमंडल में अनुभवी विधायकों, महिला विधायकों और युवा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अनुभवी विधायकों में इस राणा से कृष्णलाल पवार, लगातार तीसरी बार जीते महिपाल ढांडा, अरविंदर कल्याण, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरवीर सिंह, जिनके बारे में बादशाहपुर जनसभा में अमित शाह ने कहा था आप इन्हें जिता दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे। इनके अलावा अनुभवी विधायकों में कृष्ण मिड्डा, कृष्ण बेदी, रणबीर गंगवा शामिल हैं। नए चेहरों में पलवल से जीते गौरव गौतम, उचाना से जीते देवेंद्र अत्री, राई से जीती कृष्णा गहलावत, पटोदी से जीती विमला चौधरी शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में हिसार से जीती सावित्री जिंदल को मंत्री बनाना लगभग तय है। यानी कुछ अपने दम पर मंत्री बनेंगे, कुछ लोबिंग और पैरवी से। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल अनुभवी,
नए युवा चेहरों और महिलाओं से बना एक खुशनुमा सियासी गुलदस्ता होगा। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।